अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, हमारे पास ये जुक्की मशीन का फूट है, इससे हम पाइपिंग बनाते हैं। इससे हम पाइपिंग रेडी करते हैं, डोरी। ये देखिए, आज हम उसी से आपको ये नेक रेडी करना, नेक में लाइनिंग लगाना बताएंगे। जो हैवी वर्क का, देखो ये रेडी नेक आता हैवी वर्क है इसमें, इसमें पाइपिंग लगी होती है गोल्डन। और ये देखिए, पूरा जरकन स्टोन है। स्टोन दो तरीके होते हैं, प्लास्टिक के एक ही है, इसमें बहुत जल्दी जल्दी सुई टूट जाती है। और ये पूरा हैवी है, ये देखिए पूरा पूरा भरा हुआ है। पहले पाइपिंग है, फिर उसके किनारे से स्टोन लग के है, तो इसमें जगह नहीं है। और हम नॉर्मल फुट से सिलेंगे तो दाब बार बार उठाना पड़ेगा, या तो पैर से या तो हाथ से, फिर भी उतना, और सुई भी बार बार टूट जाएगी, और थोड़ा वर्क में भी थोड़ा फर्क आ। तो हम ये फुट से लगाना बताएंगे। ये देखिए, ये हमारा, ये देखिए, ये ने रेडी नेक है। ये देखिए कितना हैवी है और कितना वर्क भरा हुआ है इसमें। देखो पूरा स्टोन लगा हुआ है इसमें। अब हम यही रेडी नेक में आपको लाइनिंग लगाने का तरीका भी बताएंगे, और वो फूट कैसे यूज़ करते, दोनों तरीके हम आज एक ही वीडियो में आपको बताएंगे। ये देखिए, इसके लेंथ कम करना था तो इसलिए हमने इसके दामन काट के अब इसको हम ऊपर अटैच करेंगे। ये देखिए लाइनिंग है, हम लाइनिंग में नेक रेडी करेंगे पहले। ये लाइनिंग के ऊपर रख के हम इसको, कितना है हम देख लेंगे। देखिए राउंड पूरा हमारा इसके अंदर नेक बनेगा। अब हम पेपर कैनवास पे नेक कट करेंगे। ये हमने 2.25 इंच लिए हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिए। ये देखिए अभी जो रेडी नेक है हमारा, हम उसको रखकर निशान लगाएंगे बराबर। पूरा राउंड निशान लगाते हुए जाएंगे हम। ये हमारा नेक रेडी का निशान है। अभी इसके ऊपर हम एक दाब का और निशान लगाते हुए जाएंगे। हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, जो हमने पहले निशान लगाया उसके ऊपर सिलाई आएगी। और ये हमारा कट लगाते हैं, जो एक्स्ट्रा एक दाब वो है, ये हम इसी के ऊपर से कट करेंगे अभी जो निशान लगा रहे हैं। अब हम एक एक इंच छोड़ते हुए जाएंगे। हम जो पहले नेक का जो निशान लगाए उसके एक एक इंच वहाँ से नापेंगे, ऊपर के निशान से नहीं। देखिए जो अंदर साइड है उससे हमने एक एक इंच मापे, जो कट करे उससे नहीं। देखिए हम नेक इसके ऊपर रख के कपड़े के ऊपर हम चिपका लेंगे इस तरीके से। अगर आप नए हो, ज़्यादा नहीं बनाए हैं आपने अगर ये नेक, तो देखिए ये जो हमने कट किए हैं इसको वापस बीच में रख के बराबर ऐसा उसके बाजू में रखेंगे, फिर उसके बाद इस तरीके से चिपकाएंगे, वरना अगर ये फैल गया तो आपका नेक ख़राब हो सकता है।
ये देखिए अभी अभी हम इसको चिपका लेंगे। अब हम आधा आधा इंच छोड़कर कट कर लेंगे फोल्डिंग के लिए। अब हम बराबर बीच में निशान लगाएंगे टॉप पर भी और नेक पर भी। ये हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए नेक पे भी हम निशान लगाएंगे कट का। अब हम इसके ऊपर रख के इसको सिलाई मारेंगे। अब हम पहले नेक की राउंड पूरा फोल्ड करते जाएंगे, आधा आधा जो इंच छोड़े थे उसको पूरा सिलते हुए जाएंगे फोल्ड करके। ये देखिए हमारे टॉप के ऊपर अब ये नेक रख के सीधी सिलाई लगाएंगे हम। ये दाब से भी आप ये नेक सिल सकते हो, मगर थोड़ा लेट भी होता है और वर्क भी ख़राब होने का ये रहता है, स्टोन निकल जाते हैं कभी लग के, या तो दाब उठा के सिलेंगे तो थोड़ा सिला जाएगा आसानी से, मगर थोड़ा मुश्किल ही है। ये देखिए एक दाब सिलाई चलाते हुए जाएंगे हम। जो हमेशा करता है, जो ज़्यादा करते हैं तो उनके लिए फिर भी सही है, जो अभी हम नए हैं जो नए सीखते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है ये। ये देखिए अभी इसे पूरा राउंड कट कर लेंगे हम। अब इसको पूरा राउंड कट लगाएंगे। अब हम फोल्ड करके किनारी सिलाई लगाएंगे। मैंने ये दाब का आपके साथ शेयर करी और लाइनिंग रेडी कपड़े में लाइनिंग लगाने का जो तरीका आपको शेयर करी। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ये किनारी पूरी राउंड में सिलाई लगाएंगे हम। अभी हम पूरे राउंड पे नेक के राउंड पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमारा नेक रेडी हो गया है। अब हम यही नेक को, रेडी नेक जो हमारा सूट का है, हम उसको इसके ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे।
हम बराबर बीचों बीच निशान लगाएंगे नेक के, अब हम इसके ऊपर हमारा नेक सेट करेंगे। ये देखिए अब हम दाब चेंज करेंगे, अभी पहले हम ये जो बीच में हमने जो निशान लगाया है हम वहाँ पे बीचों बीच से पहले हम रखते हुए जाएंगे, हम ऊपर का नहीं देखेंगे, हमको बीच में बराबर बीच कैसा देखना है सेंटर का बराबर, हम पहले सेंटर जमाएंगे। ये देखिए इस तरह से वहाँ पर हम पिन कर लेंगे, टॉर्च पिन लगा देंगे हम उधर। ये देखिए माशाल्लाह कितनी फिनिशिंग में अच्छे से आएगा और ख़ूबसूरत भी लगेगा, ना वर्क पे कुछ धक्का लगे, ना वर्क को कुछ होगा, ना सूट में कुछ ये होगा, एकदम फिनिशिंग में अच्छा लगेगा ख़ूबसूरत। हम काम करें माशाल्लाह फिनिशिंग में अच्छा करें। ये देखिए अब हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे, जो हमारा पाइपिंग का जो हिस्सा है हम स्टोन के ऊपर रखेंगे ताकि वो आराम से मशीन चलती रहे और हमारे स्टोन को हमारी जो नीडल जो सुई है वो टच ना हो और सुई टूटे ना और फिनिशिंग भी अच्छी आए और हमारा जो वर्क है वो भी ख़राब ना हो। कितने आसानी से लगते जा रहा है, ना कुछ तकलीफ ना कुछ, और वक्त भी बहुत कम लगता है, जल्दी रेडी हो जाता है। लाइनिंग को ध्यान से नीचे देखते हुए सिलते जाना, नहीं तो लाइनिंग आगे पीछे हो जाएंगी। लाइनिंग बिल्कुल हमारी अच्छी तरीके से बैठना चाहिए उसके ऊपर। पहले लाइनिंग के आज हमने लाइनिंग रेडी गले में लाइनिंग लगाने का तरीका और ये दाब भी एक शेयर किए है। ये दाब का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना और देखिए कितने फिनिशिंग के साथ कितना अच्छा खूबसूरत रेडी हो गया है। देखिए ना सुई से हाथ से सिलने की प्रॉब्लम, ना कुछ, ना वर्क निकला, ना वर्क ख़राब हुआ। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।